मकान खंडहरों में तब्दील हो गए हैं तो खेतों में झाड़ी नुमा जंगली घास के बीच खूंखार जानवरों ने अपना अड्डा बना दिया है। लेकिन पलायन कर चुके परिवार फिर से गांव की ओर रुख करें, अपनी माटी में मेहनत कर स्वावलंबी बने, खुशहाल उत्तराखंड बनाने में अपना योगदान दें, इन्हीं तमाम बातों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने आवा अपनो घर अर्थात अपने घर वापस आइए मुहिम चलाई थी। सरकार की इस मुहिम को बखूबी आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र नगर विकास खंड के गांव मलास और नौर की डॉक्टर प्रीति कोठियाल कर रही हैं। उनके पूर्वज बहुत पहले गांव छोड़कर चले गए थे, मगर कहते थे कि हमें अपने गांव वापस भी जाना चाहिए। डॉक्टर प्रीति कोठियाल कहती हैं कि पूर्वजों की बात उनके मन में घर कर गई और इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रतिकुलपति का पद त्याग कर अपने पैतृक गाँव मलास और नौर में ग्रामीणों के बीच जाकर उन्हें नए तौर तरीकों से खेती करने को उत्साहित करने का बीड़ा उठा लिया। गांव में ही वो अपने लिए मकान का निर्माण करवा रही हैं और ग्रामीणों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पताल भी खोलने जा रही हैं। हुए हैं, पहले तो मैं प्रधान जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और समस्त ग्राम वासियों का कि वो आज बढ़ चढ़ कर यहाँ पे आए। और मैं और कर्नल डंगवाल और उनकी पत्नी अर्चना डंगवाल यहाँ पे आए। हम बेसिकली गढ़वाल को बिलोंग करते हैं, बट बाहर रहे हमेशा, हमारा बर्थ और पालन पोषण बाहर हुआ, लेकिन अब आज इस समय में ये महसूस होता है कि हमें वापस अपने पहाड़ में आके, और हमें जो कहते हैं ना कि the joy of giving, देने का जो एक सुख होता है, हमें अपनी समाज को वो चीज़ वापस देनी है। तो अब पहाड़ में जब हम आके देखते हैं तो हमें कई सारी उनकी परेशानियां नज़र में आती हैं। सबसे बड़ी जो है, जो यहाँ पे खेती प्रधान है हमारे गाँव, लेकिन वहाँ खेती आजकल कई कारणों से बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है। तो गांव वालों ने काफी बातें शेयर करी और उनको यही बताया गया कि भाई आपको मेहनत करनी है। गांव में आए हैं जिससे कि गांव वाले लोग हमें जान पाएं, हम गांव वालों को जान पाएं, उनकी समस्याओं को जान पाएं और एक जागरूकता फैले, उनको हम पे विश्वास हो और हम भी उनकी परेशानियों जान पाएं। और हम ये सोचते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बच्चे अगर जागरूक बनेंगे और जो यंग बच्चे हैं वो चाहेंगे, समझेंगे कि गांव में रहकर भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बाहर ही निकलना है, गांव में रहकर ही हम गांव का भला कर सकते हैं। कर्नल डंगवाल पहुँचे हैं जिन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए क्षेत्र में और अपनी खेती के बारे में जानकारी दी है और अपने को खुद स्वयं मजबूत करने के लिए कई सारे टिप्स बताए हैं जो गांव समय समय पे गांव की मदद करते रहे। डॉक्टर प्रीति कोठियाल के भाई अमित डंगवाल फौज में कर्नल हैं। इस बार वो भी प्रीति के साथ मलास और नौर गांव पहुंचे। कर्नल अमित ने काश्तकारों से कहा कि वो बदलते वक्त के साथ खेती करें, फल उत्पादन पर ज्यादा जोर दें, इसमें वे काश्तकारों को अपनी ओर से भरपूर सहयोग भी करेंगे। कर्नल अमित डंगवाल का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद वो गांव की ओर ही रुख करेंगे। नौर और मलास गांव के ग्रामीणों ने डॉक्टर प्रीति कोठियाल और उनके भाई कर्नल अमित डंगवाल की पहल का स्वागत भी किया और गांव में ही मेहनत और एकजुटता के साथ खेती करने का निश्चय किया है। इससे ग्रामीणों में खेतीबाड़ी के क्षेत्र में कुछ नया करने के प्रति जोश भी देखने को मिला है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए कि जो पहाड़ छोड़ करके पलायन करके प्लेन चले गए हों, अपना घर बार उन्होंने छोड़ दिया हो, आज घरों में कई घर खाली हो चुके हैं उत्तराखंड के, तो सरकार ने एक मुहिम चलाई थी कि आओ अपने घर, आओ अपना घर। हालांकि ये कितना मुफीद हुआ है, कितना कुछ इस पर सरकार ने कार्रवाई की है वो बात तो अलग है, लेकिन कुछ लोगों ने इस मुहिम को अंजाम दिया है अपने असर से। उनमें शुमार है डॉक्टर प्रीति कोठियाल जो उपकुलपति रही हैं, उन्होंने अपने गांव नौर और बसुई और मलास जाकर के लोगों को इकट्ठा किया और अपने खेती बाड़ी पर जुटने का उन्होंने आह्वान किया है। उनका ये आह्वान लगातार आजकल जोर पकड़ रहा है और उन्होंने सिखाया है लोगों को, बताया है लोगों को अपने माटी के प्रति किस तरह प्रेम किया जाना चाहिए और कैसा उसको सदुपयोग किया जाना चाहिए और अपने पैरों पर कैसा स्वावलंबी होना चाहिए। ये मुहिम आजकल वो चलाए हुए हैं, लोग उनकी बात बाकायदा मान रहे हैं और कितना कुछ मानते हैं ये देखने की बात होगी। नरेंद्र नगर से संवाद 365 के लिए मैं वाचस्पति रया।